तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब भाई देखो, यहाँ पे ना अभी भी 4 दिन का टाइम है, ठीक है। जो रैंक पुश करना चाहते हैं उनके लिए 3 ही दिन का टाइम है। खैर आज का दिन तो चला ही गया, ठीक है, 2 ही दिन का टाइम मान के चलो। बट भाई इसी 2 ही दिन के टाइम में ना मेरे को यार यहाँ बहुत ही गंदा वाला माइनस लग गया। बुरा लग रहा था, रैंक यहाँ पे कुछ 700 के आसपास चल रहा था और मैं सोचा भाई 30-40 का प्लस और कर लूंगा तो आराम से कॉन्कर हो जाएगा। बट भाई मेरे साथ यहाँ पे सीन हो जाता है। अब देखो, जो अगले सीजन में कॉन्कर करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए कुछ जरूरी टिप्स है, तो वीडियो पूरा देखना, पता चल जाएगा। खाली साइड के यहाँ पे रैंक वगैरह देख लो भाई, अभी क्या सीन है ये देख लो। सर्वर फेज हैक में 66 पे हैशटैग 66 पे 37 का माइनस लगा। और भाई देख लो, प्लस किस हिसाब से मिल रहा है, 10 का प्लस, 11 का प्लस, 6 का प्लस, 8 का प्लस, उसके बाद भाई एक ही मैच में पूरा से चला जाता है। तो कसम से जिस लेवल का भाई ये फीलिंग आप लोग नहीं समझ सकते हो, ठीक है, मैं ही समझ सकता हूँ। और मेरे साथ आए दिन ना होता ही रहता है, उसके बाद ही बंदे बोलेंगे कि हैं इतना पैसा लेती हो, ऐसे कैसे। बुरा लगता है यार। कर कोई ना, मेहनत भाई जो रैंक पुश करता है वही समझ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ये प्रोटेक्शन भी नहीं था चैलेंज पॉइंट वाला, नहीं तो बच ही जाते। अब देखो यहाँ पे एक बंदा रहता है जिससे ना काफी देर तक फाइट होती है, ठीक है। अब आज ना मेरी किस्मत किस लेवल की खराब थी, कसम से आप सोच भी नहीं सकते। हर बार यही सीन हो रहा था कि इवेंट पे आ रहा था और 0 किल पे फिनिश हो जा रहा था, नीचे जा रहा था। भाई नीचे जाने के बाद मैं सोचा चलो एक आठ बोट वगैरह मिल जाएंगे तो उसको मार लिया जाएगा, और भाई बोट का भी दर्शन नहीं हो रहा था, इतना बुरा किस्मत था, सोच ही सकते हो आप लोग। अब नेट करता हूँ, बंदा पीछे भाग जाता है। अब देख लो, एक बार को मैं इसके ऊपर पुश भी करने आया लेकिन इसने यहाँ पे ना चनिया नेट डाल दिया, तो यार क्या करूँ। अब भाई यहाँ पे मैं किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता था, ठीक है। मैं सोचा भाई कम से कम 1-2 किल तो निकाल के ही चलूंगा। चलो थोड़ा सा डैमेज दिया, नेड करता है बंदा और उसके बाद मोली भी करता है। कसम से ये इतना नेड मोली करता है, इतने छोटी सी जगह पे इतना ज्यादा नेड मोली कैसे पा गया ये। देखो मोली करके ना ये बंदा यहाँ पे नेड भी लेके आ रहा है। फिर देखो, अब इसको तो मार दिया बट भाई जो बगल में बंदा था ना वो भी पुश कर देता है। फिर देखो भाई यहाँ पे मेरी एचपी काफी ज्यादा डाउन थी, ठीक है, फिर भी मैंने बंदे को हेडशॉट मार दिया था, तो जिसके लिए लाइक कर सकते हो। खैर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, फिनिश होने के बाद देख लो कहाँ पे लैंड कराया है। तो जो जो सिटी पूरा लूट के खाली कर देते हैं एकदम से। बाकी बढ़ते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगर आपको अगले सीजन में कॉन्कर करना है तो भाई आप इसी सीजन में एस में कर लो या एस मास्टर में कर लो, ठीक है। अगर आप एस पे रहोगे तो अगले सीजन में आपको प्लेटिनम 2 में ड्रॉप करेगा, अगर आप एस मास्टर पे हो या उसके ऊपर हो तो आपको प्लेटिनम 1 में ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इसी सीजन आप एस कर लोगे अगर आप टीपीपी कर रहे हो तो, ठीक है। खैर एफपीपी वालों का तो यहाँ पे मैचिंग इस सीजन होगा नहीं, सीधा अगले सीजन में ही मैचिंग होगा, ठीक है। और एक बात, हाँ, अगर देखो एक बार आप लोग रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होता है, सबका होता है। अगर यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 5 दिन के अंदर कॉन्कर करना है, ठीक है, मान लो वहाँ पे बाय मिस्टेक किसी भी रीजन से माइनस वगैरह हो गया, फिर 5 दिन की जगह 6 दिन का 7 दिन का टाइम लगेगा, तो भाई कर लेना, ठीक है। 5 दिन आप मेहनत किए हो तो भाई 6 दिन 7 दिन 2 दिन का और कर लोगे तो आराम से कॉन्कर मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ बंदे भाई सीन कर जाते हैं कि जैसे कॉन्कर बस होने ही वाला रहता है, उनका 40-50 का माइनस लगा, वो बोलेंगे कि अब मेरे से नहीं होगा। तो भाई ये सब मत रखना, ठीक है, दिमाग में। और अगर आप कॉन्कर पुश कर रहे हो तो भाई दिमाग में ये चीज बना के ही चलना कि मेरा माइनस होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप दिमाग में ये सब बना के चलते हो कि भाई मेरा माइनस होना ही होना है ना, तो उससे अगर आपका माइनस वगैरह हो भी जाएगा तो आप ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आप भाई ये सोच के चलोगे कि भाई बिना माइनस का मेरे को कॉन्कर करना ही है, एक भी बार में कर लूंगा मतलब भाई जाऊंगा और कॉन्कर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता भाई, माइनस प्लस सबका होता है। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको डिमोटिवेशन नहीं फील होगा। बाकी चलो बढ़ते हैं हमारे सीधा गेम प्ले की तरफ। अब देख लो इस मैच में भाई यहाँ पे केवल एक ही किल पे ऊपर से आया था, फिर नीचे यहाँ पे बोट का भी किल नहीं मिला, सोच लो किस लेवल की किस्मत चल रही है अपनी। चलो फाइनली जोन में हमारी एंट्री हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मेरे 1 किल है ना, फिर देखो आगे चल के मैं कितने किल्स निकालूंगा, वैसे मजा तो आएगा।
अब मैं सोचा वेयर हाउस में होल्ड करूंगा, ठीक है, बट जैसे इधर पे आता हूँ मेरे को ये बग्गी स्पॉट होती है, तो मैं सोचा ठीक है यहाँ से निकलो, बट सीन देखो बच गया भाई, बच गया, चलो चलो टायर भी बच गया, मेरा बग्गी का टायर भी बच गया। खैर यहाँ पे बच गया हूँ तो इसके बाद तो कुछ कमाल धमाल दिखाना पड़ेगा ना मेरी जान। ये खैर अगर आप लोग अगले सीजन में रैंक पुश वगैरह कर रहे हो टीपीपी एफपीपी किसी में भी, तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर लो। चलो दो बॉडी शॉट लगा लेकिन उससे कुछ होता नहीं इधर पे। अब देखो स्कूल में बंदा दिखता है, फिर स्प्रे देखो, चलो इन संजू भैया कुमार के हमारे 2 किल हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट के सर्कल में खाता खुल चुका, अब भाई सर्कल अपने पे था तो शांति से होल्ड करते हैं। तभी देखो स्कूल पे एक और बंदा दिख जाता है, वही स्विमिंग पूल के ऊपर। चलो इन भैया जी को आराम से फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे हमारे 3 किल हो जाते हैं। अभी देखो हमारा टॉप 10 नहीं हुआ था, ठीक है, देखो जितने भी बंदे थे लेकिन सारे सर्वाइव करने वाले बंदे थे, ठीक है, उस हिसाब से लॉबी तो काफ़ी हार्ड थी। अब जो स्कूल है जोन में था नहीं तो मुझे लगा भाई वहाँ के बंदे आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख ही रहा होता हूँ। फिर सीन देखो एक जोन से मरा, चलो ठीक ठाक तो डैमेज करता हूँ, और ये भैया जी इधर से प्ले जोन से ही फिनिश हो जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक चटाई पटाई का हल्का साउंड आ रहा था और मैं कंफ्यूज था कि बंदा आखिर है किधर। तभी देखो चलो ये भैया जी को भी मार के हमारे यहाँ पे 4 किल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो लो मेरे गन में कितनी गोलियां हैं भाई, 25 गोलियां हैं। तो मैं सोचा ठीक है जो चटाई पटाई वाले बंदे को मारा हूँ ना उसकी पेटी लूट के थोड़ा सा एमओ वगैरह उठ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो वही लूटने के लिए आगे आता हूँ। जैसे इधर पे आता हूँ ना यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को स्मोक वगैरह दिखता है, मुझे लगा भाई यहाँ पे कोई बंदा होगा। चलो प्यार से इसको इधर पे लूटते पाटते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे अलावा बंदे बचे थे कुल 3, ठीक है, तीनों का लोकेशन मेरे को जा भी पता नहीं था। तभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में फाइट होता है तो मैं सोचा ठीक है चल के उन्हीं को देखा जाए। अब देखो सामने मेरे को बंदा ओपन में स्पॉट हो गया था जो कि मेरे को स्पॉट कर लिया था, मतलब साउंड आ गया होगा, ठीक है। ठीक ठाक डैमेज किया फिर, चलो भाई क्या ही मारा है यार, क्या ही मारा है। खैर इसको मार के यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं और बचा है एकदम से लास्ट का बंदा। अब देखो भाई यहाँ पे पता नहीं क्या सीन हो जाता है यार लास्ट के बंदे के साथ, यहाँ पे हमेशा मेरा मोह में होता ही है। खैर यहाँ पे सीन देख लो जो भी होगा ना, कसम से किसी के साथ में ना हो यार, सच में। यहाँ पे पहली बात तो बंदा यार थोड़ा सा भी लोकेशन देता नहीं, घुमाता हूँ गाड़ी उससे मेरे को पता चल जाता है कि बंदा ये नीचे के साइड में है कहीं ना कहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है ना पेड़ के पास, अपने साथ ये सीन हो जाता है, फटाफट भाई यहाँ पे फोन के नेटवर्क में आते हैं। और ये मैं जोन के बाहर क्या कर रहा हूँ बताओ। खैर यहाँ तो मरते मरते बच जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर हील वगैरह करता हूँ, फिर से अपने बग्गी पे स्मोक करता हूँ। मैं सोचा ठीक है फिर से वही खोजने वाला प्रक्रिया चालू किया जाए, लेकिन भाई इस बार तो कुछ सीन गलत ही हो जाता है, बंदा इस प्रकार के काफी ज्यादा डैमेज ही कर देता है। आगे वाला टायर पंचर हुआ तो जिसकी वजह से भाई गाड़ी ज्यादा घूम नहीं रही थी, ठीक है, एग्जिट करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जोन से ही फिनिश हो गया। भाई किस्मत ही खराब है यार, आज क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई ना दूसरा गेम प्ले हमारा कल का है, ठीक है, इसमें देख लो #2 पे 16+ हो गया। दूसरा गेम प्ले हमारा कल का है, चिकन की कमी मैं ट्राई करता हूँ उसमें पूरा कर दूँ, ठीक है।
देख लो यही हो रहा है अपने साथ, यही हो रहा है, ठीक है, हर एक मैच में यही हो रहा है, क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत ही खराब है। अब देखो अपने को लैंड कहाँ करा दिया है, स्टालबर। कसम से मेरे को स्टालबर से ज़्यादा खतरनाक जगह ना आज के टाइम पे कोई लगती नहीं, तो फटाफट इधर से भागते हैं। नीचे एक स्क्वाड हाउस है, ठीक है, जो कि आपको पता होगा, यहीं पे आके होल्ड करता हूँ, एक बोट वगैरह भी आ जाते हैं इधर पे। अब बोट को मार के यहाँ पे हमारे 2 किल हो जाते हैं। अभी काफ़ी देर तक यहीं पर होल्ड करता हूँ, फिर मैं सोचा ठीक है हम निकला जाए, तभी एक और बोट आता है। चलो यहाँ पर 2 बोट को मार के कुल मिला के हमारे 3 किल हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं सीधा लास्ट के गेम प्ले में, ठीक है, मतलब लास्ट के सर्कल का। अब देखो यहाँ पे गाड़ी लेके एंट्री कर जाता हूँ और सामने से, हाँ, ये वेयर हाउस से मेरी गाड़ी वगैरह तोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो कि पीछे वाले शेक में ही है। तो यहाँ पे पैदल पैदल आगे मैं आ जाता हूँ, मेरे को 1 किल भी मिल गया यहाँ पे आराम से। अब देखो सामने आपको ना एक बग्गी दिख रही होगी, ठीक है, जो कि बंदा मेरे को स्पॉट किया था, शायद मेरे को मारने के लिए एंगल वगैरह बना रहा था। फिर तो जोन श्रिंक होता है, वो भैया जी जोन के बाहर रहते हैं, फिर देखो सीन क्या होगा। चलो इन भैया जी को ही मार के यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं, ठीक है, बचा है मेरे अलावा लास्ट में 2 बंदा, ठीक है, देखो दोनों को मैं ही मारूंगा। अब सामने वाले बंदे वेयर हाउस के उसी साइड थे, तो यहाँ पे भाई पैदल पैदल भाग के पूरा मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा देर घिसलात भी था, ठीक है, ताकि मैं स्पॉट ना हूँ। जैसे इधर पे आता हूँ ना, बंदा मेरे को यहाँ पे सामने स्पॉट भी हो जाता है। अब देख लो, थैंक गॉड कि ये बंदा मेरे को स्पॉट नहीं किया यार। इसको फिनिश कर देते हैं, हो जाते हैं हमारे 6 किल। और लास्ट का बंदा जो है वेयर हाउस में है, जो कि जोन के बाहर में है, ठीक है, अगर वो जोन के बाहर में है तो भाई सिंपल सी बात है, चिकन मेरा ही है। अब भाई यहाँ पे एक चटाई पटाई का ग्लिच चल रहा है, ठीक है, सीट एक्सचेंज करके चटाई में उड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा सीन हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को डर लग रहा था कहीं बंदा पीछे ना आ जाए, बट बंदा आगे ही था। तभी तो वो यहाँ पे जब ये डांसिंग नेट आता है ना, तो मुझे पता चल गया बंदा जो वेयर हाउस के राइट साइड में है, मतलब मेरे साइड से राइट साइड में है। तो अब देखो भैया जी निकलते हैं, भैया जी को कैसे भरेंगे, और आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। अब ये उड़ा तो उड़ा ठीक है, बट एग्जिट भी कर जाता है, ये देखो। चलो कोई ना, इन भैया जी को मार के हमारे अच्छे खासे चिकन हो जाते हैं, ठीक है, 7 किल के साथ। मैं सोचा कम से कम 20-25 का तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा, बट ये सीन देखो भाई, चिकन किया हूँ यार, कुछ तो लाज रख लो, कुछ तो ख्याल कर लो बिजमई वालो। खैर कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।